हसन अलैहि सलातु वसलाम सलवातु का अलैहि वाला अबाय ही फी हादे सात मफी कुल सात वलियम वाहफिज मकायदम मनासरम व दलीलम वाइनन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तु अन मतमते अहु फीहा तवीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद रब सल्लल्लाहु मोहम्मद व आल मोहम्मद या कायम आल मोहम्मद अदरिकनी या कायम आल मोहम्मद अरसनी फी सबिलिल्लाह या कायम आल मोहम्मद अल्लाह जल या कायम आल मोहम्मद अल्लाह जल बेहक सैयदतुन्निसा आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जल फरज आल आयत या आलिया नारे तकबीर इंतहाई शुक्रिया थोड़े च मुहर्रम पढ़ी बैठा कम अज कम हूँ तुम मेरे मिजाज में जान गए हो तो मैं थोड़े मिजाज में जान गया अगर थके हो तो कोई गल नहीं चक्कर लाए और रिफ्रैश हो जाओगे नहीं तो अल्लाह का नाम इन चो भजन तुम अगे आओ हम पिछे ना बहना हूँ मैं मुहर्रम च भी अगर बुला तुम्हें भी सर मेहरबानी कि भला थोड़ी जी तकलीफ होनी चाहिए लेकिन आ जाए मेहरबानी जो बंद यकीन नाल बादशाह दे जिक्र च आया ना और मनता है कि कायनात की हर नेमत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अता की थी तो जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा इस वास्ते करे कि अस जुबान तो अली ना लैने चाचा जी इन्नी जी दुआ तो दो थोड़ी जी थोड़ी जी दुआ बन दे हाँ चेरे तो रौनक आ गई समझो मैंने दुआ लग गई इस वास्ते सारे बंद ना चाहो तो कि भाजी हुल्ला थोड़े मेरे दराजी हूँ नाराज तकबीर पिछले बंदे भी नाल लेना जी नाराज तकबीर नाराज रिसालत अपनी जुबान की पाकिजगी के इजाफे वास्ते अपनी इज्जत वास्ते उच्चा बोलो नाराज रिसालत नाराज हैदरी ऐलाने गदीर नूं याद रखते हुए सरकार के फरमान नूं याद रखते हुए सुन्नत नबी ते अमल करके हाथ बुलंद करके हलाली बोलो हैदरी या अली अमीर अल मोमिनीन बादशाह खलाके कायनात तमाम मोमिनीन दा मालकां दे जिक्र च जितने कदम मोमिनीन टुर के आयो जीने तवज्जो अल्लाह तुहाडे अकीदे दे मुताबिक तुहानूं बेहतरीन नज़र अता फरमाए अज़ीज़ां दा पुरखलूस सफ़े मातम भाई हसन समेत उन्हां दे अज़ीज़ां भरावां बुजुर्गां समेत यकीनन कबूल है मालिक ने दी इज्जत तौफीकात च इज़ाफा अता फरमा बस रहन वेड़े आबाद घर जिथे बादशाह हुसैन का जिक्र होंगे बीमारी नक्स होंगी है बुजुर्गों को दुआ लवा शिफाए करबला दी नालैन दा सदका जो बीमार ने मालिक शिफाए का मिला था फरमा जेडे मालिक के जिक्र आए बैठे ने तुहाड़ी जो जो परेशानियां मालिक तमाम परेशानियां दूर फरमाए सिवाय गमे हुसैन दे तुहानू कोई गम ना देवे जिस जिस बंदे ने मजलिस पाक च हिस्सा लिया साउंड वाले ने कैमरे वाले ने शामियाने वाले ने ये खाना खिला रहे हैं जिथे जिथे ने मालिक तमाम दी नौकरी अपनी बारगाह च कबूल फरमा जे आमीन कह सको तो उची आमीन आखना तुहाडे वास्ते भी है भाई आप मेरे तो देखिएगा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ मौला ऐसे काफिले की शक्ल सानू हुसैन बादशाह दे हरम दा सजदा नसीब फरमाए मेरे भाई हसन मालिक कामयाबी ता फरमाए मालिक असी वारिस रखते हैं वारिस तरह जी रियाँ मौला सानू परदे वाले वारिस की जियारत नसीब फरमा अपने मालिक अपने वारिस अपने बादशाह के ज़ुहूर वास्ते थोड़े वजूद च जितनी ताकत है सलावात मोहब्बत भरी सारे हज़रात को जी अल्लाहुम्मा मौला दे मदा खान भी ने 26 रजब नू मजलिस का इनकाद है शोरकोट के बिल्कुल नाल तो जगह ना आ गईजे कक्की नौ मुल्क दे नाम अलमा इकराम जाकिर ने खिताब फरमासन ते बादशाह का जिक्र करा रहे थोड़े तो जो हो सकता है भाई दिन तावन फरमाओ एक सलवात उच्ची आवाज में पढ़ो सारे हजरात जेडे जवान जवान है तो मैं अगर बुलाना चाहूँ तुम भी प्लीज मेहरबानी भाई आप भी हैं सर दोवें बराबर मेहनत करा यार तुम तो नाल आओ तुम तो 10 दिन थोड़े नाल इकट्ठे नौकरी देंगे यार तुम पिछे बैठ रहे इजाजत है नौकरी शुरू की जाए रहमतुल आलमीन बादशाह तो फरमाने के अली के जिक्र च बैठना ही इबादत अली का जिक्र सुनना ही इबादत आलम पाक जी मैं तुम्हें सामने देखना चाह रहा सी सरकार दुआलम फरमाया मेरे भिरा अली के जिक्र च बोलना अफजल तरीन इबादत सिर हिलान तो नहीं क्या होना सिर हिलान तो क्या होना मैं कहता सिर हिलाना इबादत बोलना अफजल इबादत अमीर उल मोमिनीन का फरमान पढ़ा मैं बंदे वेखा कितने बंदे अपने आप को कहें इतने जितने बैठे ने सारे कहेंगे मैं जी अली नाल किन्नू प्यार है मैं प्यार उन्हें तुहानू नहीं एडा थले हाथ वाला प्यार मैं चाहिए नहीं अली नाल घर चला जाए एडा ढिला प्यार वाला बंदा होना नहीं चाहिए
या प्यार होवे पूरा होवे या ना होवे। और कहते नहीं या मोहब्बत करो या अदावत करो। दोस्तों एक तो रास्ता छोड़ दो, अपने घर क्यों उतारा है हुस्ने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। शौकत अल्लाह शौकत साहब ने लिखे कहता सी ज़हन च आ गया, असी अल्लाह ले आए ते रसूल दी वजह तो ले आए। मेरी वजह तो यार मेरे पता लगे आप बोलेंगे तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं तो न्याज तो मैंने ले लेगी मैं पहले न्याज लब की जे मैं याली मदद हूँ पढ़ना उतनी देर जितनी तुसी देर पढ़ाना। बुजुर्गों ने सबक सुनाइए दुआ देंगे थोड़े मातमी वास्ते पढ़िए तुसी जुबान में बोलोगे चलो रल के इबादत हो जाएगी। अल्लाह वेखे किसे चलो बाबा जी भी आखिर नहीं इतने नौजवान भी जे नहीं बोले इन्हें वेखे हो दस दिन हो सू सारे अंदर नहीं जी लाई वाले ने वेख्या नहीं वेख्या नहीं फिर मनिया क्यों। भाई फरमाने रहमतुल्लाह अलैहिन फरमाया सरकार दो आलम दी जुबान ते इतना यकीन है इन्वेस्टिगेशन करने की लोड़ नहीं पैसी मान लिया अल्लाह है जन्नत है। आप दस दिन मेरे साथ मुहर्रम पे रहे हैं ना तो आप क्यों इतने चुप बैठे क्यों नहीं बोल रहे आप लंगर कट्ठे कर लेंगे दाद दे यार जन्नत है। बाबा जी कई जन्नत च बह के नहीं पे बोलते मेहरबानी जन्नत है देखी जे मनिया क्यों। बहुत शुक्रिया हूँ अगे हूँ तुम बोलना भाई फरिश्ते हैं देखे जे देखने जे हूँ सिर भी नहीं लाने लिया। बंदा अपनी जिंदगी च एक बार फरिश्ता वेखता है जिडे गौर ने तुम वेख रहे हो ना एडे गौर ने दसन लगा एक बार फरिश्ता वेखता फिर दसन जोगा नहीं रहा। हूँ मैं जुमला पढ़ना जी तो देखना जी कितने बंदे अली दा खा के याद रखते हैं अल्लाह वेखे नहीं मने रसूल की जबान तो जन्नत वेखी नहीं मनी रसूल की जबान तो फरिश्ते दो दो सारे नाल वेखे नहीं मने रसूल की जबान तो हैरत होंगी मैंने उस बंदे ते हैरान होना मैं उस शख्स से जो अपनी माँ के अखन से किसी बंद ने अपना प्यो मन लैंदा है नबी दे कहने अली ने वाजिब नहीं मानता। जिंदाबाद हैदरी सिर्फ अगले बंदे वास्ते खत्म कुरान का सवाब नहीं तुहाड़े वास्ते भी खत्म कुरान का सवाब है सारे ही आली आख्या करो फॉर्मैलिटी पूरी ना करया करो। दौर ऐसा आ गया तुसी आली उच्चे तुसी नहीं आखदे फड़े असी जाने उन्होंने ये कुछ होर मान आंदे ने। एक नज़म तुहानू सुनाइए अगर तुहाड़ी तबीयत रली तो कसीदा बाबा जी दस जी एक ऐसी सलवात पढ़ो जो बंदे सुस्त ने वह भी चुस्त हो जाए। अच्छा वाहिद इबादत है जरा अल्लाह भी करता है कर्म जो वाले नबी का शरीक होता है बिगड़ बिगड़ के हर काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि वला शरीक भी इसमें शरीक होता है। थोड़ी सी मुमकिन हो सके तो खोल दी शुक्रिया मालिक सलामत रखे। नदम पंजाबी थी सुनावा तुम चूंकि मुहर्रम जी बंदे में कहना चाहते सन कहते नहीं सन उन्हें नहीं है गल ना पैसे कि पहले मैं बहना नहीं मैं कहता जी फरमाइश करे मैं इंतहाई खूबसूरत बिल्कुल नवा कसीदा डब्बा पैक माशर तक वारंटी वाला दो चार साल तक नहीं चाचा जी दुआ करनी तुसी। अली पढ़ना मुसल्ले ते तू दस मुल्ला सजा किए क्या बात है तुहानू सलाम जी मौला दी किसम दिल खुश किया जी तुसी एडी सोहनी गल दस्सते भाई अशल बाजी मौला तुहानू सलामत रखे हर दफा तुसी एडी मुहब्बत और एडा इखलाक और प्यार दिखांदे हो फिर तुहाड़े हुक्म दी तामील करनी पैंदी जी। अगली लफ सुननी जी गल कीजिए अली पढ़ना। अच्छा जी तुम मैं दाद चंकी दो ना तो फिर मैं कह शायद मैं मुहर्रम फिर थोड़े को सिर्फ ये दो बंदे बोले सारे का कह दिया अली पढ़ना मुसल्ले ते तू दस मुल्ला सजा किए खुदा खुद नो अली आखे जे मैं आखा गुनाह किए
अच्छा चला हाथ जाओ हाथ तो जाया करो ऊंचा ऊंचा बोलो हैदरी याली याली इंतहाई शुक्रिया मालिक सलामत रखे जवार साहब लो दो जवार और दो मदा खान बड़े कमाल बैठे ने मेरे नाल जैसी खूबसूरत आवाज़ है पाक भी मुसाफिर शाम ओ बख्त ता फरमान जरा सैन ने कदम थले है शेर थोड़े मातमी वास्ते मैं बादशाह की नौकरी खलोता पिछे जिथे जिथे पढ़ गया मैं नहीं पता कि मैं कितनी दफा शेर पढ़िया चलो हूँ अपने पढ़ा घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है कभी दाल भी चंगी बन जाती जी शेर सुनना टोले पाने बगैर नसर तो अली दे इश्क दा सुर विच तू सुन कुरान मेरे तो अली दे बूज विच अपना तू सुन नुकसान मेरे तो ना मां चंगी ना प्यो लभिया तेरे पल्ले रे आकिए शाबाश बब्बर शेर है ऐसे नारा मारना चलो बड़े ठीक हो ना मैं बच्चे सही कर जावांगा थे कसीदा सुनाई तुहानू एक इमाम हुसैन तुहानू सलामत रखन बल्कि मेरा दिल चाह रहा तुहानू कसीदा अपने जी हैं अच्छा जी चलो भाई अशर साहब का हुक्म है उस हुक्म की तमील कर देने मिन्नत करी जा रहे हैं असी सईद मेरे तो पहले भी पढ़ के सुनना भी हुक्म किया भाई अशर भी हुक्म कर रहे हैं पता नहीं कैसे मिजाज के लोग ने लोगों को समझ नहीं आती अल्लाह का जाती ना अल्लाह है 99 सिफाती नामा जी खुदा ना नहीं चलो जो पढ़े लिखे मेरे जो किताब ना रेफरेंस होते बोलना बुजुर्ग बैठे बल्कि दुआ फरमा रहे हैं खुदा फारसी जुबान का लफ्ज़ है अपने तो बेहतर अपने तो उच्चा मनने वाले को खुदा आख्या जाता है असी अमेंडमेंट असी जबरदस्ती पाया अरबी का लफ्ज़ नहीं है लो हूँ इस गल तो पक्के रहना तो मेरे को सुन लेना जिस बंदा मेदा खराब होए और डॉक्टर ना रुजू करे इस तरह ना वेखे जलो अली से ना चाचा जी इंज वेखना तो मैं लह जाना बाबा सरगाम शाह जी आगे ने पढ़ लेंगे या एडा सीरियस होकर वेखो कि कितने पढ़े जाना फिर तुम पता तो है मैं तो दाद सिर पर पढ़ा इंज इंज करो तो मैं पढ़ी जावा जलो अली से ना हमारी अर्जी है खुदा लगे ना लगे अली की मर्जी है जलो अली से ना हमारी अर्जी है खुदा लगे ना लगे अली की मर्जी है जलो अली से ना हमारी अर्जी है शुक्रिया साईं मेहरबानी खुदा लगे ना लगे मुझे दुआ करिए अली की मर्जी है रिज़्क खुदा देता है जब अली घर घर में अब तक गरीबों को यही हकीकत है जो मैंने कह दी है खुदा लगे न लगे अली की मर्जी है चलो अली से ना हमारी अर्जी है खुदा लगे न लगे अली की मर्जी है चलो ए देखो मैनू अली दे सदका लभ्या कि नहीं जो चुप हो तुहानू नहीं लभना फिर बोल पो चंगे रह जाओ चंगे रहोगे फिर जेब कटी जाएगी किराया भी नहीं होएगा मालिक सलामत रखे जिंदाबाद रहो जी आओ बिस्मिल्लाह से इंतहाई खूबसूरत शेर काफर है काफर है काफर है काफर इन्होंने नहीं कह रहे अपने आप को कह रहे हैं काफर है कामरान भाई काफर काफर कह के तो मेढा ठीक रहता है चंगा क्यों डॉक्टर को दवाई खर्च दो आज आप अच्छी तरह बोलेंगे नहीं तो मेरे पास सोजी कम है मैं आपको साथ ले जाऊंगा दादे यार इमाम हुसैन दा वास्ते बोल चलो हंसे तो है ना चलो हंस शेर जरा ए खाली है खाली है मैं कह जी सारा दिन खाली खाली कह के सारा दिन तबीयत कूल कूल रहती थोड़ी तो कह लिया करो कोई गल कहने से खाली मुझको क्या फायदा अली अली करता है जब काबा चेहरा खुदा ने
जिसको दिया है और मुस्तफा ने दी है जबां, तुम्हारे चेहरों पे क्यों छाई जर्दी है, खुदा लगे ना लगे अली की मर्जी है, चलो अली से या अली या अली। उस्ताद उज़ाकरीन, सैयद उज़ाकरीन, यानी वो हस्तियाँ आओ से शायद वो भी बादशाह की नौकरी च खड़ा। इस जिक्र का सदका मालिक बाबा सरकार का साया सलामत रखे, और इस जिक्र की कसम जे इत्थे तकर लियाण वाले भी सरकार की सी जुत्ती सीधी की थोड़ी इजाजत कर रहे। तुम यह वेलो जिन्हें जुत्ती सीधी करके असं इज्जतदार हो गए हैं। मालिक थोड़ा साया सलामत रखे। मैं तेरा रजब का एक कसीदा और एक पंजाबी का कसीदा, एक शेर और उस ते सलाम पढ़ दें। बाबा जी इजाजत सरकार। तेरा रजब दी खुशी दा नगमा लबाते अपने सजा ले, जली दी मन के नबी दी मन के अली नु पीर बना ले, जाने या अली जाने या अली जाने या अली जाने या अली जाने आली काबे दी इज्जत नुए सजदे करौंदा रिया मिट्टी नू कुन के सरवर दे बिस्तर दे खुद नू समांदा रहा बदलानू बारिश लई पानी पियोंदा रहा तू एक हलाल ते अजमवाले मेरे अली दा सदा ले राहे खुदा ते इंद बिला दे बूहे ते सर नू झुका ले जाने या अली जाने या अली मेहरबानी हसनैन जी। मालिक थोड़ी इज्जत इजाफा करे, रिजक इजाफा करे। साई मेहरबानी साई थोड़ी दुआ जी इंतहाई शुक्रिया मेहरबानी। रजब जो है चलो बाबा राम शाह जी सदके मैं उन्होंने बंदे नहीं छड़ना जेरी दात नहीं दे रहे हो न्याज दे लो किसे पास दे मालिक सलाम दे के बाबा जी शेर थोड़ी सेहत सलामती वास्ते जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा रहे थोड़ी सेहत सलामती वास्ते अपने महात्मे की कामयाबी वास्ते कौन है मेरा बादशाह हसन जी शेर सुनना नबी दे मुसल्ले ते जे आवे फातिमा अली दी विला दे वास्ते हो तैनू भी जे काबे दिसे बस मुर्तजा सड़ना खुदा दे वास्ते मन कुल तो मौला भी ये नबिया तो औला भी ये सामने अली दे तेरी औकात की सदियां तो बंदिया नुए रोटी खवांदा रहा ताइयों ते रब दी जगह चेहरा विखांदा रहा बढ़के निमाजी होना तू राजी थोड़ा गरूर घटा ले जंगा च घोड़े खा गए भगोड़े होना ते लानत पाले जाने या अली जाने या अली नारे नारे नारे
सलाम सिंह सलाम जिंदाबाद इमाम हुसैन तुम सलामत करो जिंदाबाद जी जरा वादा की तो उसते सिर्फ दो शेर तीन तीन लाइन शेर ने और बड़ी छेती मुकरे ने इस ते आए जी मशरा दे रहे हैं जो मैं जुत्ती सीधी करके इन्हों की अपनी कबर सीधी की मेरे दिले उ मशरा तुम भी दस दू है किते नामे अली ना भुला बैठे 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 एवें नमाज गवा बैठे किते नामे अली ना भुला बैठे सही शेर एक पढ़े जितनी ज्यादा तुसी दाद दीती है मैंने शोर ना हो रहा मैंने समझ लिया मैं कितना शेर पढ़ना चाहिए इन्नी दात थोड़ी सुभान अल्लाह या अली चार बंदे आखे जिन्हें नहीं या अली आख्या तुहानू मेरा सलाम है शेर थोड़े आस्ते पढ़े तवज्जो करनी जिदी जान कबर च मौलवी ने छुड़ानी है ओह ना बोले जिदी अली ने छुड़ानी है अली बोले ओ बंदा बोले शेर पढ़े गल गड़ी आख रहे हैं ए हुक्म जली ते नबी दा है ए हुक्म जली ते नबी दा है विच कबर दराज अली दा है विच कबर दराज अली दा है मर के भी मार ना खा बैठी किते नाम अली ना भुला बैठी चाचा जी थोड़े दिले दवाई दी जांदा सारे जिन्हें जिन्हें दवाई दी हाथ चाह के पूछी बोला।